हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ और आप लोग देख रहे हो डब्ल्यू बी गलर का यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम लोग आज एक पहाड़ पे आ चुके हैं और इस पहाड़ पे सोचा 6 घंटे चैलेंज करने वाले हैं। तो भाई, आज हमारे साथ शुभम भाई है, शांतु भाई है और बुधन भाई है। तो हम चारों इस पहाड़ पे पूरे 6 घंटे बिताने वाले हैं। और गाइस, टाइम बता दूँ, अभी बज रहे 12:00 और सुना है गाइस, ये पहाड़ एक हॉन्टेड पहाड़ है। तो मुझे भी पता नहीं क्या होगा, आप लोग भी इस वीडियो को देखते रहो। हम लोग पूरे 6 बजे तक यहाँ पे रहने वाले हैं। तो भाई, वीडियो बहुत ज़्यादा मस्त होने जा रहा है, आप लोग इस वीडियो को देखते रहो। और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो चलो चैलेंज को शुरू कर दे। तो भाई साहब, हम लोग को घूमते घूमते बहुत ही खूबसूरत एक चीज़ मिला है, चीज़ नहीं कहूँगा। तो देखो क्या मिला है, यहाँ पे माँ भवानी में माँ भवानी रहता है यहाँ पे। तो ये इस पहाड़ का नाम भी भवानी पहाड़ है, हमारे गांव में ही है ये पहाड़। तो भाई, यह से मेन जो पहाड़ है वह पे जाऊँगा, वह पे 6 घंटे बिताने वाले हम सब लोग जा रहे हैं मेन पहाड़ की ओर। ओह, क्या नज़ारा है। तो यहाँ पे शांतु भाई पहले आ चुका है और हम लोग जा रहे हैं मेन पहाड़ की ओर। धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, तो छाव पे बैठने वाले। आ जाओ कैमरा भाई, आ जाओ शांतु। हाँ, तो भाई नज़ारा देखो, नज़ारा पूरा माइंड ब्लोइंग है। बड़े बड़े साइज का पत्थर है। तो भाई बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है, हम काई पे छाव पे बैठते तो ऊपर की ओर जा रहे, ऊपर की ओर चलते। आ जा भूषण भाई, आ जा, कैमरा में पकड़ लेता हूँ, चल आ जा। तो भाई देखो नज़ारा, क्या नज़ारा है। तो हम लोग जल्दी ऊपर की ओर जा रहे हैं। और गाइस, 2 बज चुका है, हम लोग 12 बजे चैलेंज को स्टार्ट किया था, और गाइस अभी 2 बज चुका है, यानी कि 2 घंटा चैलेंज हम लोगों ने कम्प्लीट कर दिया। तो भाई देख सकते हो नज़ारा, गाइस धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है और आगे रास्ता ही नहीं है। और भाई इस तरफ रास्ता ही नहीं है, समझ नहीं आ रहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। ओह, नज़ारा पूरा मस्त है एकदम। तो भाई साहब, घूमते घूमते 3 घंटा पार हो चुका है गाइस, 3 बज रहे और बहुत ज़्यादा भूख लगा है यार। तो कहीं छाव पे बैठते हैं, जो हम लोग खाने के लिए आए हैं, मतलब जो कुछ लाए हैं उसे खाते हैं छाव पे बैठ के, उसके बाद फिर से ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, ब्लॉग नहीं चैलेंज को, जो कुछ भी लाए हैं। और शांतनु देखो भाई, शांतनु के पास है मूढ़ी और इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, मूढ़ी ठीक है लेकिन उसको क्या बोलते हैं, चनाचूर है, मिक्सचर है। और ये है पानी का बोतल, और हमारे पास है क्या क्या है दिखा देता हूँ, हमारी टीम में है कुछ, कहाँ गया वो, ये देखो गाइस हमारे पास जलेबी है भाई, ये देखो जलेबी बेबी भाई, जलेबी है 4 और मूढ़ी, हमारे पास भी मूढ़ी है। तो भाई अब बारी है मूढ़ी खाने की। भाई बोला नहीं जा रहा, पहले भूख मिटाता हूँ उसके बाद आप लोगों से फिर से बात करता हूँ। तो चलो टाइमलेस वीडियो बना देता हूँ, आप लोग भी इंजॉय करते रहो। उसके बाद नहाएंगे, यहाँ पे पास में ही एक डैम है वहाँ पे जाएंगे, और नहाने के बाद चैलेंज को ख़त्म कर देंगे। तो भाई वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग मेहनत करते रहेंगे और आप लोग सपोर्ट करते रहना, बस इतना ही। और भाई खाने बैठते हैं अब। तो भाई हमारा खाना पीना हो गया, और आप लोगों को मैं एक खास चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आ जा यहाँ पे एक खूबसूरत सा नज़ारा आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, आप लोग आ जाओ। आ जा कैमरामैन भाई,
तो गाइस खाना पीना होने के बाद हम लोग सो गए थे थोड़ा देर के लिए, और उसके बाद फिर से वीडियो को कंटिन्यू किए। तो हम लोगों का 4 घंटा हो चुका है गाइस, 4 बज रहे, और अभी जाऊंगा डैम नहाने के लिए, उसके बाद सीधा चलेंगे घर। हमारा चैलेंज कंप्लीट हो ही चुका है गाइस। बीच बीच में बहुत ज़्यादा धूप भी लग रहा था, इसीलिए छाव पे बैठ के नींद भी आ जा रहा था, इसीलिए भाई इस बार का वीडियो अच्छे तरीके से बना नहीं पाया। चाहता था भाई आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर करूँ, लेकिन क्या ही कर सकता हूँ, इतनी धूप है ना। ये देखो नज़ारा, देखो नज़ारा, इसे कहते हैं नज़ारा। इसे कहते हैं नज़ारा भाई, ये देखो वो है डैम, देखो चारों तरफ नज़ारा, देखो नज़ारा भाई, क्या नज़ारा है। तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे नहाने के लिए, देखो डैम दिखाई दे रहा है, थोड़ा जूम करता हूँ, वो देखो वो पे डैम, यहाँ पे है डैम, तो वहाँ पे जाऊँगा नहाने के लिए। सब गाइस यहाँ पे एक चीज़ देखो, धूप से बचने का निंजा टेक्निक, यहाँ पे सो भी सकते हो आराम से, देखो वहाँ पे भी है क्या, आराम से सो सकते हो भाई, धूप नहीं लगेगा, बता। हाँ भाई नींद आ जा रहा है भाई, आजा, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे नहाने के लिए। तो देखो हम लोगों को, और कैमरामैन भाई धूप में है भाई, कैमरामैन होना बहुत ही गर्व की बात है। नींद आ जा रहा है, और यहाँ पे सब वगैरह भी हो सकता है गाइस, देख सकते हो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ जा रहा है। 6 घंटा बीत चुका, अभी तक नहीं बीता, 4 घंटा बीता है, और अभी जाऊँगा नहाने के लिए, वहाँ पे 2 घंटा बिता दूँगा गाइस, और क्या ही कर सकते हैं। अभी 4:10 हो चुका है, थोड़ा देर रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद जाऊँगा डैम नहाने के लिए, वो वाला भी क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, उसके बाद सीधा चलेंगे घर, ठीक है। तो कुछ फ़ोटो वगैरह शूट कर लेता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है। कैमरामैन भाई को भाई थोड़ा देर रेस्ट करने देते हैं, आजा रेस्ट कर ले। तो भाई साहब आप भरिए नहाने की, तो नहाने के बाद पता चल जाएंगे घर, चैलेंज पूरा हो ही जाएगा। पाँच बज के देखना होगा, 5:05, 5:05 गैस, और आप बैरिए नहाने की। तो नहाने के बाद चलेंगे सीधा घर, हमारा चैलेंज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वाला चैलेंज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना भाई, कमेंट का इंतजार जरूर से रहेगा। सो गैस हम लोग अभी डैम में आ चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग नहाने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पीछे, ये देखो मेरे पीछे ये दोनों बंदर क्या कर रहा है, यहाँ पे संतु बंदर और बुधन भाई साहब बंदर, इन दोनों का बंदर क्या चल रहा है। ओहो, ये है हमारा गांव का एक छोटा मोटा सा डैम, जो कि देश स्वाधीन होने से पहले ये बनाया गया है, देख सकते हो गाइस। ये वाला सबसे ऊंचा है, और 8 है वो वाला, उतना ऊंचा है नहीं, ये सबसे ऊंचा है। हम लोग अभी नहा रहे हैं, देख सकते हो गाइस, साबुन लगा रहे हैं हम लोग, और वो कहाँ साबुन लगा रही है दिखा नहीं सकते गाइस आप लोगों को। तो यार देख सकते हो यहाँ पे 6:04 हो चुका है, और हम लोग आए थे यहाँ पे 12 बजे, हम लोग पहले थे पहाड़ पे, वहाँ से हम लोग ये पहाड़ पे 5 घंटे बिताया, और यहाँ पे आके 1 घंटा बिता दिया। तो हमारा चैलेंज कंप्लीट का हो चुका है, और भाई चैलेंज कैसा लगा जरूर से बताना कमेंट बॉक्स में, आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा, आप लोग जरूर से कमेंट करना, ठीक है। ये फिर से एक बार देख लो, 6:05 हो चुका है, और हम लोग अभी घर चले जाएंगे। तो भाई मिलते किसी अलग बोलवा टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत।